मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया। ठीक है, गुड मॉर्निंग में दम कम है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो गुड मॉर्निंग में दम सही होना चाहिए। अगर हम सुबह सुबह से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी गुड मॉर्निंग में दम सही होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आप डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई टेंथ वाला होगा, कोई ट्वेल्थ होगा, कोई नाइन्थ, कोई एट्थ, कोई सेवन्थ, कोई फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट लाइफ में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? पढ़ना। पढ़ाई करना, ठीक है। तो पढ़ाई करना क्यों जरूरी है? सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पढ़ाई करना क्यों जरूरी है। समझ आ रहा है? ठीक है, तो पढ़ाई क्यों करनी है सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए, उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, हमें पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई करना है। जबरदस्ती हमसे घर वाले करवा रहे हैं और जबरदस्ती हमारे सिर पर बोझ बना हुआ है, पढ़ो 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 पढ़ो, तब जाके हम पढ़े, तब जाके उठ रहे हैं और बिना मन के पढ़ रहे हैं, तो हमारी वो पढ़ाई कुछ समझ आने वाली नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्यों है, हमें पढ़ना क्यों है और हमारा रोल क्या है स्टूडेंट लाइफ में भेजा तो हमारा रोल क्या है। ठीक है, तो हमें पढ़ना क्या, हमारा रोल क्या है। ठीक है, तो मैं पूछूंगा कि मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम, मनुष्य को वैज्ञानिक नाम दिया गया है, क्या दिया गया है? होमो सेपियंस। ठीक है, बैठ जाओ। होमो सेपियंस, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। अगर मनुष्य को होमो सेपियंस नाम दिया गया, वैज्ञानिक नाम दिया गया, भगवान ने अलग अलग प्राणी बनाए, भगवान ने अलग अलग प्राणी बनाए, तो सबसे जैसे हमारे अलग अलग आविष्कार है, हमने मोबाइल बना दिया, हमने चेयर बना दी, हमने एक घर बना दिए, एक सबसे पहले इस धरती पे जब कुछ नहीं था, ठीक है, उसके बाद जब मनुष्य आया उसने आविष्कार करने स्टार्ट किए। तो जैसे मनुष्य आविष्कार करता है तो ऐसे ही इन जो भगवान ने आविष्कार किया वो किसका किया है? मनुष्य का आविष्कार किया है। ठीक है, तो भगवान ने अगर मनुष्य का आविष्कार किया है तो भगवान का जो जो एक उपकरण है, महत्वपूर्ण उपकरण कौन है? मनुष्य है। कौन है? मनुष्य हम है। तो भगवान ने हमें सोच समझ कर यहाँ पे भेजा है। हो सकता था वो 84 लाख योनियों में से हमें कुत्ता बिल्ली कुछ भी बना देता, बंदर बना देता या कुछ और प्राणी बना देता, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बना देता, लेकिन कुछ सोच समझ कर ही उसने हमें यहाँ पे भेजा है। ऐसे नहीं भेजा है कि ये बंदा जाके यहाँ पे कुछ करेगा, ये बंदा जाके धरती पे कुछ करेगा, तभी इतना सोच के हमें भेजा है। होमो सेपियंस मतलब बुद्धिमान प्राणी। हम क्या है? बुद्धिमान प्राणी है। हम ऐसे वैसे आविष्कार नहीं है, हम भगवान का ऐसा आविष्कार है जो सब कुछ कर सकता है, जो एरोप्लेन भी उड़ा सकता है, जो बल्ब बना सकता है, जो कुछ भी कर सकता है। अगर हमें इसी उम्र, छोटी छोटी उम्र से हमारी सोच चेंज होगी तो हम आगे बढ़ के कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई काम इम्पॉसिबल है। अगर कोई दूसरा इंसान कर रहा है उसके पास भी दो हाथ दो पांव ऐसे बिल्कुल हमारे जैसा ही है, अगर वो कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हाँ। कर सकते हैं ना, हम कर सकते हैं आराम से। तो अगर इंसान भगवान का उपकरण है तो हमें हमारा जो मेन काम है, इंसान भगवान ने बोला है कि इंसान से तुम काम करो, कर्म करो। क्या बोला है? कर्म करो। ये नहीं बोला है कि दिन भर मोबाइल में पबजी खेलो या फ्री फायर खेलो या कुछ और काम करो। हमारा कर्म क्या है? अगर स्टूडेंट, अगर हम विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी, तो हमारा काम क्या है? विद्या प्राप्त करना, पढ़ाई करना। हमारा काम क्या है? पढ़ाई करना है, विद्या प्राप्त करना है। हमारा कुछ और काम नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में जो मेन काम है पढ़ाई करना। खेलना है उसके लिए अलग टाइम है, एक घंटा है। मोबाइल का यूज नहीं करना है, फालतू मोबाइल का यूज नहीं करना है। तो हमारा जो मेन काम है पढ़ाई करना है स्टूडेंट लाइफ का। अगर हम पढ़ाई नहीं कर रहे तो इससे क्या होगा? भगवान हमारे से नाराज हो जाएंगे। क्यों नाराज रहेंगे? अगर भगवान ने हमें कुछ सोच समझ के अगर 84 लाख योनियों में से हमें एक इंसान बनाया है तो बहुत सोच समझ के हमारा आविष्कार किया है। हम यूनिक हैं। हम यहाँ पे क्या है? यूनिक है। हमें भगवान ने भेजा, अगर 84 लाख योनियों में से हमें एक बना के भेजा तो हम एक क्या है? यूनिक है। अगर हम काम नहीं कर रहे, अगर हम अपना काम नहीं कर रहे तो हमसे भगवान नाराज है।
तो भगवान सोचेंगे यार मैंने कैसे इंसान को यहाँ पे धरती पे भेज दिया, अपना सर पटकेंगे, बोलेंगे मैंने किसको भेज दिया धरती पे, ये तो जो मैंने इतना सोच समझ के मैंने इसको इंसान बनाया ये मैंने गलती कर दी, मैंने इसको इंसान नहीं बनाया था, मैंने इसको कीड़े मकोड़े बनाना था। अगर हम अभी अच्छे कर्म नहीं करेंगे, हम अपना काम नहीं करेंगे, हम दूसरों की भलाई नहीं करेंगे, हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे या हम दूसरों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, तो हम अगले जन्म में इंसान बनने वाले नहीं, हम कभी बनने वाले नहीं, हम इंसान बनने लायक ही नहीं रहे फिर, अगर हम किसी की मदद नहीं कर रहे, अगर हम गलत काम कर रहे या हम किसी को समझा नहीं रहे या गरीबों की मदद नहीं कर रहे या कुछ ऐसे काम नहीं कर रहे, तो हमारा अगली बार मनुष्य बनना मुश्किल है। ठीक है, हम मनुष्य बन ही नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि भगवान ने जा उसका भगवान है, ठीक है, एक फीलिंग है, एक भगवान है, उनने हमें बना रखा है, तो अगर हम वो काम नहीं करते तो फिर मुश्किल है। जो भगवान ने हमें कर्म दिए हैं, जो कर्म करने के लिए दिए हैं, तो हमें वो काम करने ही करने, किसी भी हाल में वो काम करने, अगर हम काम नहीं कर रहे तो फिर मुश्किल है कि हमें अगली बार मनुष्य जन्म मिलेगा। तो स्टूडेंट लाइफ का मेन काम क्या है? पढ़ना। हमारा जो मेन काम है पढ़ना है, तो हमें मन लगा के अपना ज्यादा टाइम किस पे देना है? पढ़ाई पे देना है, तभी हम जिंदगी में कुछ कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे ज्यादा वैल्यू हमें टाइम की रखनी है, समय, क्योंकि जो आज का दिन है, अगर आज का दिन बीत गया तो ये दिन कभी वापिस आने वाला कभी वापिस नहीं आएगा। ये दिन जो आज का दिन है ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, नया दिन है, हमारी एज 50 साल 100 साल किसकी 80 साल, ठीक है, तो 80 साल का जो एक दिन है आज ही क्रॉस हो जाएगा, एक दिन कल क्रॉस हो जाएगा, ऐसे एक साल क्रॉस हो जाएगा, धीरे धीरे एज बढ़ जाएगी, हम बूढ़े हो जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाए, फिर हम अपना सर प्रोटेक्ट रहेंगे कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, एक एक दिन से ही एक साल बन जाता है, एक एक मिनट से एक घंटा बन जाता है, तो हमारे एक एक मिनट क्या बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें अपना ये टाइम फालतू मोबाइल में बर्बाद नहीं करना है या फालतू बातों में बर्बाद नहीं करना है या फालतू लोगों के साथ बैठ के बर्बाद नहीं करना है। जितना हम एक घंटा अपना गप मारने में या किसी से बातें करने में खाली फालतू वेस्ट करते हैं, तो उस समय हम कुछ चीजें सीख सकते हैं, वो चीजें सीख के अगर हमारे दिमाग पे स्टोर हो गई तो हमारे लिए उतना ज्यादा हमारा हमारे ऊपर ज्ञान हमें ज्ञान आ गया, ठीक है, हमें क्या किया उतना ज्ञान आ गया, उतना हमारा दिमाग बढ़ गया, और जितना टाइम वेस्ट करेगा उस टाइम को वेस्ट ना करके अगर हम कुछ अच्छी चीजें सीखे या कुछ किताबें पढ़े तो हम वो क्या उतना ज्ञान आ जाएगा, हमें क्या जाएगा उतना ज्ञान आ जाएगा, ठीक है। और खाली टाइम में हम दूसरों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि विद्या देने से बढ़ती है, दुनिया में एक ही चीज ऐसी है जो तुम दूसरों को दोगे वो ज्यादा बढ़ेगी, क्या है वो? विद्या। क्या है? विद्या। ठीक है, तो हमारा मेन काम क्या था? पढ़ाई करना, ठीक है। अब कितने पढ़ाई कर सकते हैं? कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ाई करेंगे सुबह से लेके शाम तक, जो भी जितना भी हमें टाइम मिलता है हम सारे टाइम क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर हमें मनुष्य बनना है तो, और मनुष्य नहीं बनना है तो फिर मुश्किल है, फिर आपने मौज मस्ती करनी है, अच्छे कर्म करने, भगवान ने हमें यहाँ पे कर्म करने के लिए भेज रखा है, तो हमें क्या करने? अच्छे कर्म करने हैं, ठीक है। तो ये आज मोटिवेशन था आपके लिए, ठीक है, हमको क्या करना है आज से इस पर काम करना है, हमें समय व्यस्त नहीं करना है, क्योंकि समय हमारे लिए लौट के कभी नहीं आता, ठीक है, समय ही सबसे बड़ा धन है।